जय श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। हम भी बढ़िया हैं दोस्तों। और हिमाचल में मौसम ने अपना रुख बदल लिया है। आज इतनी बारिश हुई दोस्तों रात को, अभी भी इतनी हवा चल रही है। अभी अभी जस्ट बारिश मतलब स्टॉप हुई है। 30 मार्च है आज, और रात को 29 मार्च को इतनी भारी वाली बारिश हुई है। और अभी हमारे यहाँ पे एक ये होता है कि हवा चल रही है बहुत ज़्यादा, और आप देखो अभी भी ऐसी हवा चल रही है, मतलब पेड़ झूल रहे होंगे, आपको दिखाई दे रहे होंगे। और हम यहाँ पे खड़े हैं, हम जा रहे हैं कहीं, हम यहाँ पे खड़े हैं, गाड़ी का वेट कर रहे हैं। मैं बताऊँगी आपको हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं अमन जी की जो मासी हैं उनके घर। क्यों जा रहे हैं ये आपको बाद में बताऊँगी, लेकिन फिलहाल तो हम गाड़ी का वेट कर रहे हैं, वो आ रहे हैं हमें पिक करने। दोस्तों एक क्या बोलते हैं, मासी जी रास्ता भूल गए हैं और हम यहाँ पे खड़े हैं। और मुझे लगता है बारिश फिर से स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि बहुत अंधाधुंध वाली हवा चल पड़ी है और मासी जी रास्ता भूल गए हैं। बोल रहे हैं कि मतलब वो गलत रास्ते पे चले गए हैं 4-5 किलोमीटर आगे तक। तो हम अभी यहाँ खड़े हैं, अगर मुझे कोई और लिफ्ट मिलती है तो मैं उसी में निकल जाऊँगी, अगर नहीं मिलता है कुछ तो हम खड़े रहेंगे तो वो आ जाएंगे फिर। हैनल दो सबको हाय बोलो, राधे राधे बोलो सबको, राधे राधे। ठंड हो गई है बोलो, ठंड हो गई है ना, ठंडी हो गई है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई है। तो यहाँ पे मौसम का कुछ पता नहीं चलता, कब ठंड हो जाए कब गर्मी हो जाए। मतलब वैसी वाली गर्मियाँ भी नहीं हुई थी, लेकिन हो गई थी, हमने स्वेटर वगैरह डालना छोड़ दिया था, लेकिन आज फिर से अच्छी वाली ठंड हो गई है। और ज़्यादा आप फील कर सकते हो कैसी कैसी हवा चल रही है, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हवा चलती है। आपको चील के पेड़ तो नहीं दिख रहे होंगे ज्यादा हिलते हुए, लेकिन ये पीपल का है और इससे पता चल जाएगा कि कितनी हवा चली है। लड्डू हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये कुछ नहीं आए छोरा आए है, नहीं लाडो पोटी नहीं है, ऐसे ही है। दोस्तों अगर हमें लिफ्ट मिलेगी तो हम लिफ्ट ले लेंगे, अगर मासी जी टाइम से आ गए तो हम उनके साथ चल पड़ेंगे। यहाँ पे आप देखो दोस्तों, मतलब जो ऑटम सीजन है वो स्टार्ट हो गया। ऑटम का मतलब होता है पतझड़, जिसमें जो ट्रीज होते हैं वो अपने लीव्स को गिराते हैं जब सूख जाती हैं, तो वो वाला। और यहाँ पे जो पाइन ट्रीज होते हैं चील के पेड़, तो उनसे वो सारी पत्तियाँ वो गिर रही हैं नीचे, येल्लो येल्लो, ये आपको दिख रहा होगा ये वाली, ये सब ये हैं ऑटम लीव्स जो गिरती हैं नीचे सूखी। और ये बेस्ट नहीं होती, यहाँ पे लोग इनको उठा लेते हैं, और जो पशु पालते हैं मतलब तो उनको यूज़ कर लेते हैं, मतलब एज ए बेडिंग बिस्तर उनका बना लेते हैं। दोस्तों गर्मी सॉरी क्या हुआ, हैंड साफ करो हैंड साफ करो। दोस्तों जो ये चील की पत्तियाँ होती हैं, जो पाइन नीडल्स नीडल्स जैसी होती हैं पत्तियाँ जैसी, तो जब ये गिरती हैं तो रास्ते मतलब पूरे ढक जाते हैं। अभी तो स्टार्ट हुआ है ये गिरना, तो ढक जाते हैं, तो इसमें से मोस्टली ऐसा होता है कि स्लिप करते हैं। तो अभी रिजल्ट गिर भी गया, तो क्या बोलते हैं, मतलब संभल के चलना होता है। तो इतनी अच्छी औसम वाली फीलिंग आ रही है, इतना अच्छा हो रखा है मौसम, मतलब जो ठंड और गर्मी के बीच का मौसम होता है वो ऑब्वियसली बहुत प्यारा लगता है। और ग्रीनरी साफ सफाई, जैसी जब बारिश होती है तो आपको रास्ते भी साफ दिखते हैं, और पेड़ भी पेड़ पौधे जिनके धूल जमी होती है वो भी साफ लगते हैं, तो बड़ा प्यारा सा लग रहा है। और हम भी लगे हैं पैदल पैदल मार्च करने, जब तक हमें गाड़ी आई। दोस्तों आज 30 मार्च भी है, और हिमाचल में जो होता है ये रिजल्ट डे है, क्योंकि कल है 31 मार्च, और वैसे रिजल्ट जो निकलता था वो 31 को निकलता था, और आज क्योंकि कल संडे है तो फिर आज ही निकल रहा है। दोस्तों मैं एक बड़ी अच्छी चीज़ दिखाती हूँ आपको, तो बारिश हुई है तो
पानी। हाँ है? लाडू पानी पैर नहीं रखियो हरी ए ओ पानी च रखी थी पैर। मौसम भी बड़ी अजीब सी मस्ती कर रहा है, कभी अचानक से ऐसी धूप आ रही है और कभी कभी ऐसे हो रहा है। बागा बॉर्डर जाना फिर से? कोई बात नहीं, जाएंगे तो वापस आ जाएंगे, है ना? ठीक है। हाँ ठीक है। ना छोड़ दिया, छोड़ना नहीं। और खा लो, सारा खा लो, बोल दे मम्मी। क्या करे था ये? छाड़ा पाता। अच्छा लिफाफा दो। दोस्तों हम आए हैं अमन जी की जो मासी हैं उनके घर, क्योंकि मासी गए हैं घूमने वृंदावन और बाकी कई जगह पे, तो उनको घर पे कोई चाहिए था, क्योंकि मासर जी थोड़े बीमार रहते हैं आजकल, तो उनको घर पे कोई चाहिए था जो यहाँ पे रह सके और उनको देख सके। तो फिर मासी जी ने सोचा कि हम मतलब हमारा जो क्वार्टर है वो कांगड़ा से यहाँ नज़दीक पड़ता है, तो मासी जी ने सोचा कि अमन डेली आ जाया करेंगे यहाँ पर और हम यहाँ पे रुक लेंगे उतने दिन तक, 8-9 दिन 10 दिन की बात है, तो हम उतने दिन यहाँ पर रुक लेंगे और मासी जी की भी केयर हो जाएगी और हमारा भी विज़िट हो जाएगा ऐसे। तो इस करके हम यहाँ पे आए हैं और आज है संडे। कल रात को मासी जी यहाँ से निकल गए थे और आज है संडे, तो आज अमन ने हमें दिया सरप्राइज़। हम गए थे घूमने जो गोविंद सागर लेक है उस साइड, तो वहाँ के बहुत सारे व्यूज़ और आगे बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड की हुई हैं, प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहना, आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा व्यू था और सबको वहाँ पर जाना चाहिए। मतलब इतना सुंदर असम और अच्छा वाला, मतलब क्या बोलते हैं, वो फील आता है वहाँ पे कि हम साफ़ सुथरा पानी देख रहे हैं, साफ़ सुथरी पहाड़ियाँ देख रहे हैं, मुझे तो बहुत मज़ा आया। अमन बोले अच्छा
ना ना उड़ाने नहीं, उड़ाने नहीं, उड़ाने नहीं, दिखे? हाँ यार देखो ना कंधे कितने कितने हाँ बंदे वहां तक की गए बहुत स्कूटी तक चल पड़ा ना रास्ता नीचे तक है पकड़ा इसको तो अगर नीचे जाएंगे हम वाव अजय सारी बाइक का जानी हूँ हैं बोटेज जय श्री राधे दोस्तों कैसे हैं आप सब आई होप आप सब ठीक होंगे बढ़िया होंगे दोस्तों दोस्तों मेरे पीछे जो आप व्यू देख रहे हो ऑसम वाला मस्त वाला वो है गोविंद सागर लेक का व्यू और ये है ऊना डिस्ट्रिक्ट में है फिलहाल हम तो और लठियाणी यहाँ पे जगह का नाम है और वैसे हमारी गोविंद सागर लेक जो है वो स्टार्ट होती है बिलासपुर से और इसका ये एंडिंग पॉइंट है तो ये है ऊना में ऊना लठियाणी में पड़ता है तो ये है ऊना में और हम अभी जस्ट यहाँ आए थे और इतना खूबसूरत मैं पहले आई हूँ यहाँ पे गरीबदास टेम्पल में शादी के बाद आई थी लेकिन आज यहाँ पर हम स्पेशली आए हैं डैम देखने और जो गरीबदास टेम्पल है वो सेम व्यू है लेकिन यहाँ पे मंदिर नहीं है बस लोकेशन वाइज आपको ये दिखेगी चीज़ें और नीचे आपको बोट भी दिख रहा होगा ये है नीचे बोट और ये सवारियाँ ढोने का काम करता है और यहाँ पे टूरिस्ट के लिए भी शायद होंगे बोट लेकिन हमें नहीं इसकी नॉलेज हम तो बिना मतलब बोट में बैठे बिना जा रहे हैं हम ऊपर चढ़ गए मैंने सोचा मैं थोड़ी सी ब्लॉगिंग कर लेती हूँ और ये है दोस्तों यहाँ पे मैक्सिमम टूरिस्ट पंजाब के आते हैं मतलब यहाँ पे बाबा बालकनाथ का मंदिर पड़ता है 20 किलोमीटर आई थिंक सो यही बताया मुझे अमन ने और यहाँ से मतलब लोग गरीबदास टेम्पल जो शिव जी का मंदिर है अगर किसी को मौका लगे तो वहाँ जाना मैं गई हूँ शादी के बाद बहुत ही सुंदर जगह है और अगर किसी को मौका लगता है तो वहाँ भी घूमने जाएं और यहाँ भी आएं बहुत सुंदर व्यू है और यहाँ से 20 किलोमीटर पड़ता है द्योर सिद्ध बाबा बालकनाथ का मंदिर और आजकल वहाँ पर देखो आप ना इतने पंजाबी है मतलब रास्ते में मैं आपको क्लिप्स डाल दूँगी इतने पंजाबी है कोई ट्रैक्टर पे चले हैं कोई बाइक्स पे कोई गाड़ियों में कोई बसेस में मतलब बहुत ज़्यादा रश होता है और मंदिर में जाओगे आप तो मतलब आपको अंदाज़ा हो जाएगा बहुत ज़्यादा रश होता है वहाँ पे और अमन और त्रिजल शायद ऊपर की तरफ गए हैं तो मैं इस साइड चलती हूँ ये ऊपर की तरफ गए हैं शायद तो मैं जाती हूँ इसी साइड दोस्तों आपको पता नहीं कैमरा में अच्छे से नज़र आएगा कि नहीं लेकिन जो सामने पहाड़ी है उस पर पानी का जो लेवल है जो बरसात के टाइम पे होता है वो दिख रहा है मतलब लाइन जैसी बनी हुई है नीचे पत्थर पत्थर जैसे हैं और ऊपर घास फूस पेड़ पौधे हैं तो मतलब जितना ये पत्थर है उतना तक पानी आता है बरसात के टाइम पे बहुत ज़्यादा गहरा ये और कहाँ पर है हमारे बंदे हम तीन ही लोग हैं बंदे बंदे ज़्यादा कोई नहीं है पर वो है पत्थर मार रहे हैं नीचे और त्रिजल जब से आया है बस उसको ये लगी है कि नीचे पत्थर मारने पापा अभी इसने पापा को पहुंचा दिया हाइट पे कि पत्थर मारो बस 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 ज्यादा दूर नहीं लड्डू क्या जादू तो कुछ नहीं है थी बोतल ही है पानी देखे हाँ पानी इतनी बड़ा पत्थर हाँ
पहाड़ी जरी होना पत्थर किसी भैया टीका परी ती सट्टा ये परी सट्टा आने पाया है नहीं फिर तुम्हारा कोई पत्थर पानी बन जाएगा ये क्या चक्कर है जादू पीछे हट रहा भाई दिखे दिखा खतरनाक बंदा तू बस बस चलो देखी ले अड्डू बड़ा पत्थर ये नहीं पड़ेगा पापा ए, पापा के सिर पे मत मारना ओ ये नीचे हाँ डाल दो हाय हाय बस बस नीचे नहीं जाना नो 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 आ रहे पापा आ रहे दो चार दे दो दो चार नहीं लेने हथू गंदे हो जाने मिट्टी लग जानी ए बंदे सही गिरे बोटा तू तरे ना सामने ए सही गिरे आई ने बस पे आओ अब नहीं चलना उसका दे ध्यान रखियो कहानी बन जाए पत्थर पूरा पानी है कुमाओ कुमाओ बॉल कर रहा शुक्र मनो इतने कोई और आए नहीं है तो ओ तेरी ओ तेरी पाई गया ओहो ओहो बड़ा तू ऋषिकेश के निकट है तू फटाफट कर अभी रंग तो चला देखिया वो देख बगला भगत तो नहीं दिखे पर बादल दुसी गए पानी च मैं जोर ने मारे नहीं पता लग गया किते गया चम्मच खा लो चम्मच लड्डू मैं दूं ए चिज्जी पेस्ट्री मैं दे दूं लड्डू मैं दे दूं निकालूं बच्चे तो गिर गई नीचे